अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं स्टेशन वाले आलू की सब्ज़ी। तो आइए देखते हैं। हम एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ता, अब हम उसे छौंक लगाएंगे। आप ज़ीरा की जगह पे राई ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। मैंने एक बड़े साइज़ का ऑनियन लिया है, इसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसे ऐड करेंगे। ऑनियन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को इस वक्त अगर हम चला रहे हैं तो फास्ट रखिए, अदरवाइज़ फ्लेम को आप स्लो रखिए। देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद में अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने दो टमाटर लिया है जिसे मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है। टमाटर को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को दरदरा सा कूट लिया है। ये दरदरापन बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। हम जो मिक्सर में पेस्ट बनाते हैं उसके बदले उससे अच्छा ये टेस्ट होता है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हम डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 छोटा चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची से लुक अच्छा आता है। और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और वो अगर तेल छोड़ दे इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमारा पक चुका है और देखिए तेल अच्छे से, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और क्यूब के साइड्स में मैंने काट लिया है। मैंने 5 छोटे आलू लिए थे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कमेंट करके बताना कि किस किस को स्टेशन के आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। धीरे धीरे करके हम पानी को मिलाएंगे। मैंने इसमें 1 ग्लास पानी 1 कप पानी ऐड किया। आप चाहे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था। अब हम इसे 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। अब हमारी सब्ज़ी हो चुकी है। आलू की सब्ज़ी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें कोथमीर ऐड करेंगे। कोथमीर ऐड करके अब हम सब्ज़ी को सर्व करेंगे। स्टेशन वाली आलू की सब्ज़ी पूड़ी के साथ ही खाई जाती है, पर मैंने यहाँ पे रोटी बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोटी पसंद है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ट्राई कीजिए, बनाइए। और अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनती है, आपको पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।